Dear students, today I am going to start exercise 1.4. In this exercise, we have to show that how root 2, root 3, root 5, root 6 is an irrational number. So I am going to first theorem to prove that how root 5 is irrational. Prove that root 5 is irrational. Suppose root 5 is rational, then root 5 is equal to a by b, where a and b are coprimes and b is not equal to 0. On squaring both sides, five is equal to a square by b square, या a square is equal to 5 b square, या 5 divides a square, या 5 divides a. Let a is equal to 5m. Let a is equal to 5m. Then a square is equal to 5m whole square is equal to 25m square. Putting this value, in equation one, we get a 25m square is equal to 5b square, या 5m square 5m square is equal to b square, या 5 divides
या फाइव डिवाइड्स बी स्क्वायर या फाइव डिवाइड्स बी फाइव डिवाइड्स बी दस दस फ्रॉम टू एंड थ्री फ्रॉम टू एंड थ्री फाइव डिवाइड्स फाइव डिवाइड्स A and B five divides A and B this contradicts the five this contradicts the fact that that five is a common factor of A and B So our assumption is incorrect. Hence, root 5 is hence proved. Question is, prove that root 5 is irrational. To solve this problem, let us suppose that root 5 is rational. If root 5 is rational, then we can write root 5 for root 5 in the form of a by b or p by q, where a and b are coprimes. You know that a pair of numbers is coprimes if they have no common factor other than one. So A and B are coprimes and B is not equal to 0. On squaring both sides, we get 5 is equal to A square by B square, yeah, A square is equal to 5 B square, yeah, 5 divides A square, yeah, 5 divides A. We have studied, approved in previous classes, if P is a prime number and if P is a prime and A is an
नंबर इफ इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर देन पी डिवाइड्स ए, सो हियर फाइव डिवाइड्स ए स्क्वायर अथवा फाइव डिवाइड्स ए, लेट ए इज इक्वल टू फाइव एम अदर इंटीजर, वी सपोज लेट ए इज इक्वल टू फाइव एम देन ए स्क्वायर बराबर इज इक्वल टू फाइव एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एम स्क्वायर, ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन वी गेट 25 ऑन पुटिंग ए स्क्वायर बराबर 25 एम स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर वन, तो 25 एम स्क्वायर इज इक्वल टू 5 बी स्क्वायर या डिवाइडिंग बाय 5 इन बोथ साइड्स 5 एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर या अथवा 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर अथवा 5 डिवाइड्स बी, वी सपोज इक्वेशन नंबर 3। दस फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इक्वेशन 2 एंड 3 फाइव डिवाइड्स ए एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 फाइव डिवाइड्स बी दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, यह इस तथ्य में का विरोध करता है दैट फाइव इज ए कॉन्ट्राडिक्ट्स द फाइव फैक्ट दैट फाइव इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, फाइव इज ए कॉमन फैक्टर, बट वी हैव सपोज्ड दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड को प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच हैव देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, बट हियर फाइव इज अ फैक्टर ऑफ ए एंड बी, सो आवर एसम्पशन आवर सपोजिशन इज रॉन्ग इनकोरेक्ट हिंस रूट फाइव इज इरेशनल। सिमिलरली यू कैन प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल, रूट थ्री इज इरेशनल, रूट सेवन इज इरेशनल एंड रूट 11 इज इरेशनल। सो इन दिस मेथड वी कैन प्रूव दैट रूट थ्री रूट फाइव रूट टू रूट फाइव रूट सेवन रूट 11 एंड सो ऑन इज इरेशनल। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दैट रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। सिमिलरली लेट रूट टू इज रेशनल, देन वी कैन राइट फॉर रूट टू इज इक्वल टू देन रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर या ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर या ए इज इक्वल टू या ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर या ए इज इक्वल टू टू बी
या ए बराबर टू बी। ए स्क्वायर बराबर ऑन स्क्वायर इन टू इक्वल टू ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर या ए स्क्वायर बराबर टू बी स्क्वायर या टू डिवाइड्स ए स्क्वायर या टू डिवाइड्स ए। लेट टू डिवाइड्स ए लेट लेट ए बराबर टू एम या ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर इक्वल टू फोर एम स्क्वायर या फोर डिवाइड्स ए स्क्वायर या फोर डिवाइड्स या फोर डिवाइड्स ए या फोर डिवाइड्स ए। फोर डिवाइड से पुटिंग दिस वैल्यू और पुटिंग दिस वैल्यू इन वन इक्वेशन वन फोर एम स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर या फोर एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर या टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर या टू डिवाइड्स बी स्क्वायर या टू डिवाइड्स बी स्क्वायर या टू डिवाइड्स बी। दस टू डिवाइड्स बी फ्रॉम टू एंड थ्री
टू डिवाइड्स ए एंड बी टू डिवाइड्स ए एंड बी बोथ दिस contradicts the fact that two divides A and B both. This contradicts the fact that root 2 is rational so our assumption is wrong. Hence, root 2 is irrational. Question is, prove that root 2 is irrational. To prove this theorem, let us suppose that root 2 is rational. If we prove that root 2 is rational, then the root 2 will not be irrational. So, by taking root 2 is rational. If root 2 is rational, then we can write root 2 is equal to A and B, where A and B are coprimes. We know that a pair of numbers is coprime if they have no common factor other than 1. A और B में एकमात्र वन ही कॉमन फैक्टर है, ये मान के चलेंगे कि ए और बी में एक के सिवा वन के सिवा कोई दूसरा फैक्टर नहीं है ए और बी का. तो लेट रूट टू इज इक्वल टू ए बाई बी वेयर ए एंड बी आर को प्राइम्स एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो. नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर या टू डिवाइड्स ए स्क्वायर या टू डिवाइड्स ए. लेट ए इज इक्वल टू टू एम वेयर टू एम इज एन अदर इंटीजर. ए इज इक्वल टू टू एम और स्क्वायरिंग ए स्क्वायर इज इक्वल टू फोर एम स्क्वायर या फोर डिवाइड्स ए स्क्वायर या फोर डिवाइड्स ए. ऑन पुटिंग दिस वैल्यू इन वन इक्वेशन वन वी गेट फोर एम स्क्वायर. पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन वन, फोर एम स्क्वायर इज इक्वल टू टू बी स्क्वायर या डिवाइडिंग बाय टू इन बोथ साइड्स टू एम स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर या टू डिवाइड्स बी स्क्वायर या टू डिवाइड्स बी. दस फ्रॉम टू एंड थ्री वी सी दैट टू डिवाइड्स ए एंड बी बोथ. टू दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट टू इज रेशनल. यह इस तथ्य का विरोध करता है कि रूट टू जो है सो रेशनल है.
क्योंकि हमने पहले ही मान लिया है कि ए एंड बी आर को प्राइम्स. को प्राइम्स मीन्स देर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन इन ए एंड बी. बट हियर वी सी दैट ए एंड बी आर मोर देन टू फैक्टर्स. टू हियर वी सी दैट टू इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी. सो आवर एसम्पशन इज इनकरेक्ट. आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. हेंस रूट टू इज इरेशनल. अर्थात रूट टू जो है सो एक अपरिमेय संख्या है न कि परिमेय संख्या है. इन दिस वे इन दिस मेथड वी कैन सॉल्व दैट रूट थ्री इज इरेशनल, रूट फाइव इज इरेशनल, रूट सेवन इज इरेशनल, रूट इलेवन इज इरेशनल. दैट यू विल सॉल्व नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड नेक्स्ट क्लास. इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी एंड आई विल सॉल्व. थैंक यू.